15 अगस्त जश्न आज़ादी और रात का 10 बजे का वक्त, इंडिया गेट राजपथ के बीच की ये जगह। मैं इस वक्त में यहाँ मौजूद हूँ और जो देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है वो लोगों को खास तौर से यहाँ इंडिया गेट पे देखते ही बनता है। दिलों में वही वतन से मोहब्बत का जज्बा और जिस तरीके के वंदे मातरम के, मादरे वतन जिंदाबाद के, भारत माता की जय के वो ही नारे। जो जो लोग यहाँ पहुंचे इंडिया गेट की लाइटनिंग देखने, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का मैं वो पोर्शन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि अपने गालों पर, अपने चेहरों पर यही देशभक्ति है, यही अनेकता में एकता है और इसी की पहचान हिंदुस्तान की सारी दुनिया में, पूरे विश्व में जानी जाती है। सैफरन कलर में आप पहुंचे हैं, व्हाइट कलर में आज उजैफा है और उमेर जो है वो ग्रीन कलर में है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? हम कहना चाहते हैं कि सारे फेस्टिवल एक साथ मिलकर मनाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इंडिया के चार ही सबसे बड़े रीजन है, तो सब अच्छे से मिल बांट के भाईचारा बनाए रखें। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक गुलदान है, जैसे गुलदान में हजारों फूल से मिला के एक गुलदान बनता है ना, गुलदस्ता, एक गुलदस्ता बनता है। इस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो ये लोग शुरू से मिलकर रहते हुआ है। जो पॉलिटिक्स फैलाते हैं, पॉलिटिक्स ये हिंदू के नाम पर मनवाना, मुसलमान के नाम पर मनवाना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई हैं, सब साथ रहना चाहिए हम लोग। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने पर भी मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो ये तमाम पहलू और मेरे पीछे जो झंडा फहराते हुए, हवा में लहराते हुए आप देख रहे हो, आज तो पूरा देशभक्ति के लग रहा है रंग में रंगे हुए हो और तिरंगा लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल तिरंगा लेकर के यहाँ पहुँचे हो इंडिया गेट पर। क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं बहुत बहुत सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा, अपने जो भी भाई बंधु हैं हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई हैं हमारे लोग, और यहाँ पर जो है सभी खुश हैं। झंडा नीचे से, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पब्लिक आएगी, बहुत इंडिपेंडेंस डे पे जो है लोग यहाँ पर हमेशा की तरह से आते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो लेडीज हैं, जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं और नौजवान है, सब जो है कुछ ना कुछ एक तरीके से सेलिब्रेशन करने आया है, या कि कोई पोशाक पहना हुआ है, या फिर कोई जो है गालों पे आपने जैसे भी देखा तिरंगा लगाया हुआ है, कोई झंडा ले हुआ है हमारी तरह, और ये हमारे देश की शान और इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और ये जो है हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा। यौम आज़ादी के मौके पर दिन है और लोगों खुशी है इस चीज की और यहाँ पे आने की, और ये जो रोशनी होती है राष्ट्रपति भवन के अंदर इस चीज को देखने की, इंडिया गेट पर सजाया जाता है, आने के लिए लोग बड़ा बेकरारी से इस साल का इंतजार करते हैं, तो लोग आते हैं इसलिए। खैर, इंडिया गेट पे इस वक्त में यौम आजादी है और आजादी का दिन है, लोग पहुंच रहे हैं 15 अगस्त के मौके पर, रात का वक्त। लोगों से भी जानूंगा, ये लवली चुस्की करके एक आवाज आ रही है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ और दिखाऊंगा आप तमाम लोगों को कि ये जो लवली चुस्की है, शिकाया लवली चुस्की जो लिखा हुआ है, एक बार वहाँ पहुँच करके दिखाना चाहता हूँ कि आखिर वो ऐसी क्या है उस चुस्की की खासियत कि लोग दीवाने हैं और चीखते चले आते हैं। पहले तो सबसे पहले उस शख्स को दिखाना चाहूँगा जिनकी आवाज ये लवली चुस्की की है। तो शिकारा लवली चुस्की, ये वो लवली चुस्की जिसको खाने से पहले लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, और पप्पू इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं। आपसे वही आवाज सुन करके मैं आया, एक बार चाहूंगा दोबारा से आप जरा उस आवाज को सुना दें जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है आवाज। तो इस शानदार लवली चुस्की के दीवाने बहुत से हैं, भाइयों से बात करूंगा। 15 अगस्त का मौका, लवली चुस्की, और न जाने कौन कौन से फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? काला खट्टा जी, काला खट्टा खाते, सिर्फ सबसे सिर्फ काला खट्टा।
काला खट्टा के दीवाने हैं। हमें काला खट्टा बढ़िया लगता है। अब क्या वजह है काला खट्टा इतना खास बनाते हो कि हर कोई उसी में खिचकी चला आता है? काले खट्टे में क्या है? काले खट्टे में सबसे ज्यादा प्यार डला हुआ है। कैसा प्यार है, कहाँ मिल रहा है? ऐसा है कि हम लोग बहुत प्यार से खिलाते हैं, बहुत इज्जत से, बहुत खुश से खिलाते हैं। अगर पास कार्ड है उससे भी पेमेंट कर सकते हो, कैश है तो कैसे भी कर सकते हो, उससे भी। एक आवाज मुझे मेरे पीछे से आ रही है कि मैं पैसे ना लाया आज, तो पैसे नहीं लाए भाई? अच्छा, मतलब आप पप्पू का टेस्ट लेना चाह रहे हैं? देखो ये दिल्ली, सुनिए, दिल्ली दिल वालों की है, और पप्पू जो इतनी दिलेरी से ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी के पास वॉलेट नहीं होता, पर्स नहीं होता, तो मैं वैसे भी खिला देता हूँ। आप बताओ कैसे खाना चाहोगे? अगर पर्स घर पे छूट जाए ना तो यहाँ आके खा लेना, बेफिक्र होगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 1986 से 1986 से लवली चुस्की, शिकारा लवली चुस्की इंडिया गेट पे फेमस, बच्चों को लेके पहुंचे हो, 15 अगस्त का मौका है और हाथ में काला खट्टा नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके पर पहले तो ये कि जैसे तिरंगा शान से ये लहरा रहा है इसी शिकारा लवली चुस्की पर, क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? तो ये एकता का प्रतीक है, इंडिया गेट पे सब आए हुए हैं, इंडिपेंडेंस डे पर रक्षा में बंधन भी है, उस पर भाई का जो टेस्ट है वो सब ले रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। सब माशाल्लाह खुश है, हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान है। देखो ना, तिरंगा झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, तिरंगा झंडा बना, सब इंजॉयमेंट में है पर। और होना भी यही चाहिए, और साथ में जब ये चुस्की का स्वाद आ जाता है तो वो स्वाद और बढ़ जाता है। तो चुस्की की सिप जरा लेकर भी दिखाइए एक बार, आप दोबारा बोल दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। आज चुस्की है लवली चुस्की, एक अच्छी बीच है चुस्की, और दिल पर हाथ चुस्के पांच चुस्की, और चुस्के चुस्की पहले स्कूल में कहते थे, पीछे गेट से देखिए। बब्बू, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो लोगों को काला खट्टा के अलावा पसंद आते हैं और लोग खाते हैं? कितनी वैरायटी है? सबसे ज्यादा जो चलती है वो काला खट्टा चलती है, और इसमें जो कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज के लिए हमने शुगर फ्री काला खट्टा भी बना रखी है, शुगर फ्री काला खट्टा, तो वो भी चलती है। और एक काला खट्टा हो गई और एक खट्टा मीठा, सारे फ्लेवर मिक्स है वो चलती है। और बाकी जो है जैसे रोज हो गया, खस हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, सब नॉर्मल में आ जाती है और लोग खाते हैं। बस सर, हमने रेट क्या क्या रखा हुआ है चुस्की का? काले खट्टे का कितना रेट है और बाकी जो चुस्कियाँ हैं उनका क्या रेट है? सारे फ्लेवरों का रेट तो 60 रुपीज है, सिर्फ ओनली शुगर फ्री जो है वो 100 रुपीज की है, क्योंकि तो शुगर फ्री में हम कोई चीज मिलाते नहीं है, ओनली नेचुरल गोल्ड जो शुगर फ्री जो आती है उससे हम लिक्विड बनाते हैं। अच्छा, वो कौन सी शुगर फ्री आप यूज करते हैं? जो आप कभी केमिस्ट की दुकान पे मांगो शुगर फ्री, आप पाउडर मांगो तो आपको मिल जाएगा शुगर फ्री, वही यूज करते हैं आप नेचुरल? ये कब शुगर फ्री कब से शुरू किया है ये? डिमांड ज्यादा आ रही थी? हाँ, दो तीन साल से मैंने, 3 साल पहले स्टार्ट किया, जो लोग जो है जिनको डायबिटीज होता था वो दूसरे खा रहे होते थे, वो मुंह देख रहे होते थे कैसे खाएं, क्योंकि उसमें शुगर है, चीनी की बनी हुई है, इसलिए फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कैसे कैसे बनाना है भाई, फिर डॉक्टर से सलाह ली इसकी, डॉक्टर से पूछा सर मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, अपोलो के डॉक्टर आते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं, मदानता हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं रात को खाने के लिए, और VIP बहुत आते हैं, मतलब ये है कहने का कि अब वो लोग बिल्कुल बिल्कुल ना घबराएं, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और वो लोग शिकारा लवली चुस्की पर आने से डरते हैं कि ये डायबिटीज है और नहीं खा पाएंगे, तो उसका समाधान इन्होंने निकाल लिया है, और उसके लिए इन्होंने इस लवली चुस्की को, शुगर फ्री लवली चुस्की को भी तैयार कर लिया। चुस्की चुस्की क्या के जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको सुनकर क्या है? मैं आपका मेन्यू देखना चाहूंगा, वो मेन्यू जो है उसमें कई तरह की अलग अलग चुस्कियां हैं और उनके रेट्स भी हाथों हाथ लिखे हुए हैं, बड़ा कलरफुल बना रखा है। ये एक इनका अपना मेन्यू है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि सिर्फ शुगर फ्री जो है उसका इन्होंने बताया जो रेट है वो 100 रुपीज है, और बाकी जितने भी हैं चाहे वो कोई सा भी फ्लेवर आप लें वो सब 60 रुपीज के हिसाब से। तो ये खट्टा मीठा, ये तिरंगे रंग में ही बना हुआ है, खट्टा मीठा 60 ओनली, मीठा रोज फ्लेवर खस, उसके अलावा काला खट्टा जो सबसे ज्यादा चलने वाला है, ऑरेंज, मैंगो, CNG और क्रशर ड्रिंक काला खट्टा। ये CNG क्या है? ये CNG चुस्की क्या बनाई है? CNG हमने इसका नाम इसलिए ऐसा दिया है, लेकिन लोग आदमी कहे कि हाँ भाई क्या चीज हमें खाना है, तो ये जैसे उस टाइप की जैसे आप सिकंजी बनवाते हैं और पीने के लिए, तो ये सिकंजी सिर्फ ओनली पीसने के लिए है।
इसलिए हमने इसका नाम रखा सीएनजी कम्प्लेक्स नेचुरल है, इसमें कोई भी कम्प्लीट नेचुरल कम्प्लेक्स नेचुरल गैस जो सीएनजी होती है, तो इसका नाम इसलिए रखा लगा एकदम छोटे। तो सीएनजी जो नाम है वो चुस्की का है, मत समझिएगा कि यहाँ पर किसी फ्यूल का नाम है। और बाकी ये जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली लोग आते हैं यहाँ पर, इनका एक सिस्टम है पूरा, और बाकायदा पैसे वगैरह देने के लिए ये कैश काउंटर बनाया हुआ है। और लवली चुस्की के जो दीवाने हैं वो ऐसे ही पीछे चले जाते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की, जो लोग लवली चुस्की यहाँ खाने आती हैं। आप अक्सर आती हैं लवली चुस्की खाने? यू एंजॉय टू हैव इट? और छोटी सी प्यारी सी मासूम बच्ची के साथ में पहुंचे हैं और लवली चुस्की के जो है मजा लेने आए हैं। ये काला खट्टा खा रही है, रोज फ्लेवर खा रही है? रोज फ्लेवर। कैसी यहाँ आते हैं अक्सर या आज 15 अगस्त के मौके पे आए? बचपन से ही आते हैं। बचपन से आते हैं। तो लवली चुस्की अच्छी लगती है जी? कहाँ से आए दिल्ली में? पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली में कहाँ से? बाड़ा हिंदू राव। बाड़ा हिंदू राव से पहुँचे। तो परिवार के साथ लोग पहुँचे हैं और बच्चे जो हैं वो भी ऐसे ही नजर आएंगे, तिरंगा रंग में रंगे हुए सारे, और सब के सब जो हैं वो आज हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक इसी तरीके से हिंदुस्तान में आज़ादी का जो पर्व है 15 अगस्त ऐसे ही मनाया जाता है, और लोग आकर के इस इंडिया गेट पर अपने अपने तरीके से एंजॉयमेंट करते हैं और मजे करते हैं। 15 अगस्त हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज जी, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लगा 15 अगस्त, अच्छी बन गई, अल्लाह ताला ने सही बनवा दी, उसका शुक्र एहसान है, समझे? बहुत अच्छा लगा, समझ नहीं। तो शांति के लिए तो चाहिए होना चाहिए बहुत ज्यादा, और हमेशा हमेशा मन का अमन शांति बनी रहे। तो आप जो है इस वक्त यहाँ इंडिया गेट पे हैं और खाने आई हैं लवली चुस्की, तो पसंद खाती रहती हैं? बताओ बच्चों कौन सा फ्लेवर खाते हो? स्वीट फ्लेवर, मीठा वाला। आप स्वीट, आप कौन सा खाती हैं? स्वीट, सब स्वीट खाते। तो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का दिन और देश का भविष्य, क्या नाम है आपका? फिरदौस। ये बच्चा है यही लवली चुस्की वालों के पास में, जहाँ मैं शिकारा लवली चुस्की के पास बैठा हूँ, वहाँ मुझे ये बच्चा दिखा और अंकल दिखे अभी, जिनकी बाइट भी ली। अंकल ने पूछा इसको लवली चुस्की खाने के लिए, तो इसने कहा मैं खाऊंगा। तो लवली चुस्की का क्योंकि ये भी दीवाना है, लेकिन क्योंकि नहीं जेब अलाउ करती, नहीं ले पा रहा था, तो अंकल दिलवाने जा रहे हैं। इस देश के अंदर हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, वो उसका ही ये एक परिणाम है। और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इस वक्त में इस बच्चे के लिए, फिरदौस के लिए लवली चुस्की, जो वो नहीं ले सकता, अपनी जेब से खरीद नहीं सकता, उसको दिलवा भी रहे हैं। तो यहाँ ये इंसानियत का जो जज्बा है वो भी नजर आता है। कौन सी वाली खाओगे बेटे? खट्टा? गला खराब नहीं होगा? ये खाते रहते हो? नहीं, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। मैं इसको ऐसे देख करके ना, मैं चुस्की ले ही नहीं सकता। मैं खाऊं और ये इस बच्चे को देखूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है किसी भी सूरत में। मैं चाहता हूं सभी ऐसा सोचें, इन बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, जो वेगाबॉन्ड्स हैं या वेगाबॉन्ड्स हैं, इनके माँ बाप मतलब रैक पिकर्स हैं, दिन भर सुबह से शाम पोतने और कूड़ा करकट इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो कुछ लोग हैं। अक्सर आपके पास ऐसे लोग आ जाते होंगे जैसे अंकल जी हैं और इस तरीके के? ये तो बहुत आ ही जाते हैं अक्सर, लेकिन मैं ही पहली बार, तो मैं ही किसी को ये नहीं देखता। आपने अभी बताया कि वॉलेट नहीं है तो मैं खिला देता हूँ, तो जब ये उनको खिला सकता हूँ तो ये ऐसे बच्चों को क्यों नहीं खिला सकता हूँ? ये खासियत है हमारा 10-12 लवली चुस्की की, हकीकत है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके काउंटर पे जहाँ खड़ा हुआ हूँ, भाई कितनी चुस्कियाँ वगैरह अब तक आज 15 अगस्त में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी रंग में रंगे हुए हो और पूरी तरीके से 15 अगस्त के जो जश्न है उसमें सराबोर हो। तो किस तरह चुस्कियाँ बिकी और कैसे जश्न मनाया लोगों ने? सही है, आज क्राउड काफी था। 12 महीने है इसके अंडा इंट्रोडक्शन की जरूरत है, ना किसी को बताने की, इस चीज की सेल ना काउंट की जा सकती कभी, क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जो खाने के बाद भी चलेगी, खाली पेट भी चलेगी, ना इसको खाने से पेट खराब हो सकता, ना कपड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज यूज करते हैं वो सब इम्पोर्टेड यूज करते हैं जी, कोई भी ऐसा इंडियन प्रिजर्वेटिव कोई यूज नहीं करते,
हमारा जो इसके अंदर मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसी कोई चीज नहीं डालते जिससे कि किसी का कुछ दिक्कत आए। कुछ मसाले वगैरह का भी यूज होता है जो लोगों वो को एक पसंद हमारा आते हैं। वो इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसके बारे में बता नहीं सकते। वो ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते क्योंकि वो आज तो खोल दो वो राज, मेन चुस्की की जान है वो। क्योंकि हर चीज अगर बता दी गई तो सब कुछ खुल जाएगा, फिर सब लोग अपने यहाँ चुस्कियाँ बनाने बैठ जाएंगे। फिर शिकारा जी जो है हमारे, इनको कौन याद करेगा? फिर पप्पू शिकारा को कौन याद करेगा? पप्पू की आवाज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे फिर किसी की डिमांड आ रही है कि पप्पू से फिर आवाज लगवाइए। बच्चा बहुत खुश है, देखिए जी, वो बच्चा लेकर के बहुत खुश है। हाँ, वो बच्चा भी खुश है बिल्कुल। बस सुनाओ फिर आवाज आपको। जी 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 जी, बहुत डिमांड आ रही है भाई आपकी। तो ये वो शानदार तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का कि मुझे भी हंसी इसी बात की आ रही है। और आखिर में जहाँ ये अपना साइन आउट करते हैं हाय कह के, वो कुछ है ही नहीं डाला। और महिलाएं जो हैं वो खास तौर से इनकी आवाज़ सुन करके और बच्चे जो हैं बड़े अट्रैक्ट होके आते हैं। और कब सबसे ज्यादा आपको लगता है कि भीड़ का वक्त होता है? समर वेकेशन में, छुट्टियों में, या वीकेंड के दिन ज्यादा भीड़ होती है, जैसे सैटरडे संडे हो गई, या फिर साल में कभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं उसमें भीड़ होती है बस के अंदर। अच्छा, छुट्टियों में ज्यादा भीड़ होती है। आंटी आती रहती है इधर? बिल्कुल, मतलब स्पेशल चुस्की खाने के लिए आती हूँ। चुस्की खाने इंडिया गेट आती है, मतलब 15 अगस्त का आज जश्न मनाने नहीं, चुस्की खाने इंडिया गेट। चुस्की खाने के लिए आती है और कुछ नहीं आती है। इनकी लवली चुस्की। हाँ। तो घर के बच्चे भी साथ में आए जो आप अपने लिए? हाँ, तीन ले रहे हैं? अपने लिए तीन या औरों के लिए भी? नहीं नहीं, मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं। जो एक बार चुस्की खाएगा वो बार बार यहाँ पर जरूर आएगा खाने के लिए। इनकी चुस्की नहीं, बहुत ही मजेदार चुस्की है। तो एक बार जो इनकी शिकारा लवली चुस्की खाएगा वो बार बार आएगा, बार बार आएगा। तभी आप बार बार आती हैं। बिल्कुल आती है। तो आज बहनों को बेटियों को लेकर आई हैं? बिल्कुल। हमारी जो चुस्की है, अगर हमारी चुस्की से किसी का गला बैठ जाता है, गला खराब हो जाता है, और डॉक्टर से वो लिखवा के लाएगा हाँ जी मेरा आपकी चुस्की से गला बैठा है, तो उसको मैं 10,000 रुपए का इनाम देता हूँ। और वो काला खट्टा जिसके दीवाने हैं सब, एक बार ट्राई तो किया जाए कि आखिर उस काले खट्टे में है कौन सा जादू जो सभी लोग काला खट्टा यहाँ खाने के लिए आते हैं। पर काले खट्टा ट्राई तो जरूर किया जाए। काला खट्टा, नाम का भी काला खट्टा और काम का भी काला खट्टा। इसमें जो लेमन टेस्ट आ रहा है वो वाकई गजब है। और बीच में जो कुछ डाला हुआ है काला मसाला वगैरह, काला नमक और जीरा पाउडर लाइक कुछ, उससे वाकई जो टेस्ट है वो बहुत अल्टीमेट है। लवली चुस्की इज ऑसम, लिटरली ऑसम।